हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखिए इस तरीके की डिजाइनर स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो पहले देखिए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे स्लीव्स की लंबाई 15 इंच तैयार रखना है। तो 15 इंच मैंने यहाँ पे लंबाई में ले लिया है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे देखिए 8.5 इंच लिया है। फिर आर्महोल की गोलाई करने के लिए देखिए मैंने 2.75 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे फिटिंग रखना है मुझे 5 इंच का। तो ये 5 इंच हो गया और उससे 1.5 इंच लगभग एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये 6.5 इंच। अब देखिए दोनों निशान को इस प्रकार मिला लेंगे और लगभग 1.5 या 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जैसे हमने 6.5 इंच लिया था तो इसका हाफ करते हुए यहाँ पे लगाएंगे। तो ये 3.25 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए दोनों को ऐसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे गोलाई के साथ कटिंग करेंगे और ऐसे नीचे से स्ट्रेट कटिंग हो जाएगा। और फिर फ्रंट साइड में हम लगभग 1.25 इंच ऐसे देखिए अंदर की साइड से कटिंग करेंगे, ये आर्महोल के गहराव करने के लिए। तो देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें सेंटर में डिजाइंस बनाना है। तो पहले ऐसे एक छोटा छोटा कट लगा लेंगे दोनों साइड में। फिर मैंने यहाँ पे देखिए रेड कलर का फैब्रिक लिया है ये डिजाइंस के लिए। आप चाहें तो सेम कलर का फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है लगभग 2 इंच ऐसे लेते हुए कटिंग करेंगे, यानी कि 2 इंच चौड़ी पट्टी देखिए हम ऐसे सीधे में कटिंग कर लेंगे। और फिर इसको देखिए ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई करेंगे। लगभग 1/2 इंच चौड़ी पट्टी हमें यहाँ पे तैयार करना है। तो इसको अभी अलग रख देती हूँ और पहले देखिए हम यहाँ पे पेपर पे पहले डिजाइन्स बनाएंगे। तो पेपर को भी ऐसे 2 इंच चौड़ाई में कटिंग कर लेंगे। और इसका जो लंबाई रहेगा देखिए बिल्कुल ऐसे स्लीव्स की लंबाई के बराबर ही रखेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को देखिए यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यानी कि बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल लंबाई के बराबर ही लिया है मैंने। अब देखिए ये जो रेड कलर वाला फैब्रिक हमने कट किया है 2 इंच वाला, इसको ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे सिलाई करेंगे पूरे में। और फिर इसको देखिए ऐसे पलट लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ और देखिए इसको ऐसे इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं पट्टी सीधा कर लिया है मैंने। अब चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए जो हमने पेपर कटिंग किया है 2 इंच चौड़ाई में उसी की लंबाई की देखिए ऐसे छोटा छोटा पीस कटिंग कर लेंगे। यानी कि 2 इंच लंबाई की देख सकते हैं ये मैंने सभी पट्टी को 2 इंच लंबाई लेते हुए कटिंग कर लिया है। अब ये पेपर जो हमने लिया है देखिए इसको ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकालेंगे और ये जो सेंटर वाला लाइन है देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं ऐसे सीधा करने के बाद ये जो हमने कट किया है फैब्रिक इसको यहाँ पे सेंटर में सिलाई करते हुए देखिए सभी पट्टी को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। देख सकते हैं पूरे में मैंने यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लिया है। अब देखिए इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे सेंटर में ही लगभग 2 या 3 हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। देखिए क्योंकि सिलाई से ही सभी पट्टी को हमें यहाँ पे अटैच करना है तो मैंने यहाँ पे 3 बार सिलाई कर लिया है ताकि ये ना खुले। अब देखिए इसको एक साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई करेंगे और फिर जो दूसरा लाइन है इसको देखिए ऐसे अपोजिट साइड में फोल्ड करेंगे। यानी देख सकते हैं एक फोल्ड हो गया। अब एक को छोड़ देंगे और दूसरे वाले को फिर से उस साइड में ऐसे रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल एक को छोड़ते हुए सिलाई करना है। अब देखिए दूसरे साइड से सिलाई करेंगे तो जिस पे हमने सिलाई नहीं किया है जिस पट्टी को उसको देखिए ऐसे दूसरे साइड में फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई कर लेना है। देख सकते हैं ये पट्टी हमने तैयार कर लिया। अब देखिए इसको सेंटर में ज्वाइंट करना है स्लीव्स के, तो इसको ऐसे पहले बीच से कट कर लेंगे और इसके बाद देखिए इसको यहाँ पर सीधे साइड में लगभग 1 पॉइंट फोल्ड करते हुए ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे ताकि यहाँ से ये धागा ना निकले। आप चाहें तो पीक को भी कर सकते हैं।
देख सकते हैं इसे थोड़ा थोड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों साइड में। अब देखिए स्लीव्स को ऐसे रखेंगे दोनों पार्ट को, यहाँ पे सीधा साइड मैंने ऊपर करते हुए रखा है और यहीं पे जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए देखिए इसके ऊपर ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद देख सकते हैं ये जो सिलाई है दिख रहा है, देख सकते हैं इसके जस्ट अंदर के साइड में सिलाई करेंगे ताकि सिलाई करने के बाद ये वाली सिलाई ना दिखे, बिल्कुल सीधी सिलाई पूरे में कर लेंगे। देख सकते हैं एक साइड में सिलाई हो गया। अब देखिए दूसरे साइड में भी इसी प्रकार ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए सिलाई के अंदर के साइड में ही सिलाई करेंगे ऐसे। इसके बाद देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधे साइड से इसके ऊपर देखिए यहाँ पे सिलाई करेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे देखिए पूरे में सिलाई कर लेंगे ताकि देखिए इस सिलाई से जो मार्जिन है नीचे का वो दब जाए। देख सकते हैं ये अटैच हो गया। अब देखिए इसको ऐसे उल्टे साइड से पलट लेंगे और ये जो पेपर है देखिए इसको यहाँ से निकाल देंगे अच्छे से, देखिए यहाँ से रिमूव कर देना है पूरा पेपर को। देख सकते हैं स्लीव्स तैयार हो गया है। अब देखिए नीचे की तरफ ही हमें लगभग 1 सवा इंच चौड़ी पट्टी ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए मैंने देखिए 1 सवा इंच चौड़ी बकरम वाली पट्टी लिया है। इसको देखिए हम पहले फेब्रिक पे अटैच कर लेंगे आयरन करते हुए। तो बकरम को मैंने देखिए इसमें अटैच कर लिया है, इसके ऊपर मैंने आयरन लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए देख लेंगे और सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हुए बकरम से, देखिए ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो इस प्रकार कटिंग करके निकाल देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे ऐसे फोल्ड करने के बाद सिर्फ सिलाई के लिए हमें फैब्रिक बचना चाहिए। देख सकते हैं ये पट्टी तैयार हो गया। अब देखिए इसको हमें यहाँ पे जॉइंट करना है, तो पट्टी को हम यहाँ पे देखिए उल्टे साइड की तरफ रखेंगे ऐसे और लगभग देखिए 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। यानी कि आपने जितना एक्स्ट्रा रखा है बकरम से बिल्कुल उतना ही पकड़ते हुए देखिए यहाँ पे सिलाई करना है। और सिलाई करने के बाद देखिए इसको ऐसे सीधे साइड में फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई कर लेना है। तो देखिए सिलाई करने से पहले मुझे यहाँ पे पाइपिंग लगाना है इसके अंदर के साइड में, तो पहले हम देखिए ऐसे डोरी वाला पाइपिंग तैयार करेंगे। तो ये मैंने देखिए सीधे में लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग किया है, ये थोड़ा लंबाई में छोटा है, तो पहले मैं देखिए इसको ज्वाइंट लगा लेती हूँ ऐसे। देखिए मार्जिन को ऐसे दोनों साइड में फैलाते हुए यहाँ से नाखून लगा लेंगे ताकि बीच में मोटा ना हो। और फिर देख सकते हैं ये मैंने डोरी लिया है, तो डोरी को यहाँ पे देखिए स्लीव्स के लंबाई के बराबर ही रख लेंगे जितना लंबाई हमें तैयार रखना है, और एक्स्ट्रा डोरी यहाँ से मैंने कट कर लिया है। अब देखिए डोरी को फैब्रिक के ऐसे बीचों बीच रखेंगे और इस प्रकार देखिए फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे सिलाई करेंगे। पहले थोड़ा सा देखिए दबा लीजिएगा ताकि ये ना निकले, और फिर देखिए यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई करेंगे, यानी कि इस सिलाई से डोरी बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए। देख सकते हैं इस प्रकार पूरे में सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं इसे सिलाई करने के बाद ये जो पट्टी हमने तैयार किया इसको यहाँ पे देखिए इसके अंदर रखेंगे, यानी कि फोल्ड करने से देखिए ये अच्छे से दब जाना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे देखिए जो डोरी वाला पार्ट है यानी कि जो पट्टी हमने तैयार किया है उसका सिर्फ डोरी वाले हिस्से को ही बाहर की तरफ रखेंगे और ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है देखिए सबको ऐसे अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। देखिए अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो बिना पाइपिंग के भी आप यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग तैयार हो गया है, और यहाँ पे उल्टे साइड से भी आप देख सकते हैं कहीं से भी ये धागा नहीं निकलेगा। तो पूरा स्लीव्स देख सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।